हेलो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये आम का खट्टा मीठा मुरब्बा है। सो इस रेसिपी को जानने के लिए आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिशनल विलेज लाइफ ब्लॉग में। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड हमें लेना क्या है कि कच्चा आम ले लेना है, जिसे छील लेना है अच्छी तरीके से। और कच्चा आम जानते हैं ये इसी मौसम में मिलता है, दो मौसम ये जो है अप्रैल और मई, इसमें ये मिलता है। तो सो हम बना के खा सकते हैं, इसके बाद तो पूरे साल हम इसको नहीं देख सकते। तो सो इसके लिए जो चाहिए मसाला उसे भी मैं दिखा देती हूँ। तो हमें करना क्या है, आम की ये जो गुठलियाँ हैं छीलने के बाद अच्छे से इसके जो पीस मीडियम साइज कर लेने हैं अपने खाने के अनुसार। तो फिर हमें क्या करना, ले के कढ़ाई में पानी थोड़ा डाल के और गैस ऑन करके हमें कढ़ाई में पानी डाल लेना है। और फिर हमने जो ये कटिंग की है आम की, सो इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद डालना इसलिए जैसे कि थोड़ा सा इसे उबलने के लिए हमें छोड़ना है। तो इसके अंदर अब हमें थोड़ा नमक डालना है और थोड़ी हल्दी पाउडर डालना है, जिससे हल्दी पाउडर से ये होगा इसका कलर जो लास्ट टाइम तक है बरकरार रहेगा। और नमक से इसके स्वाद में थोड़ा जो खट्टा मीठा हमने कहा है मुरब्बा बनाने के लिए, तो उसमें ये जो नमक है ये उसका काम है यहाँ पे। और तो अब हम इसे क्या करेंगे, हमने सब चीज़ डाल दिया, अभी इसे हम ढक के रख देंगे कुछ देर के लिए, जब तक ये थोड़ा बहुत गल ना जाए। तो सो इसे गलने तक के हम इसे गैस पे धीमी आंच पर ढक के रख देते हैं। अब हम अपना तैयार कर लेते हैं गुड़। ये जो गुड़ है फ्रेंड ये गांव का गुड़ है, जैसे कि ये काला होता है और मार्केट में तो हम देखते हैं खजूर का गुड़ वगैरह होता है वाइट वाला, तो ज़्यादातर तो इसी गुड़ से अच्छा लगता है, बढ़िया मुरब्बा बनता है। तो देख सकते हैं हमने गुड़ को क्या करा है कि तोड़ के अच्छी तरीके से तोड़ के हमने पानी में भिगो दिया। तोड़ने से ये रहेगा कि पानी में ये घुलता जल्दी है, और ये जो हमारा गुड़ है ये घुलता भी बहुत जल्दी है, खजूर वाले गुड़ को थोड़ा टाइम लगता है। अब गुड़ है तो थोड़ा बहुत कचड़ा तो सो आएगा ही, तो हम इसे छान लेंगे बाद में। तो हम अभी इसे पानी डाल के छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए घुलने के लिए इसका। हाँ, अब ये थोड़ी देर में रस बन जाएगा, थोड़ा हम हाथ से अपना कर लेंगे कि ये घुल जाए इसके अंदर, भाई कोई गांठ ना रह जाए। तो सो अब हम इसे क्या करेंगे, गंदगी आपने देखी ही थी, सो तो हम इसे छान लेंगे। तो छानने के बाद देखिए अभी हमारा साफ़ हो जाएगा। तो इसे गुड़ से ये रहेगा, गुड़ से अब गुड़ डालेंगे तो खट्टा मीठा तभी तो अच्छा लगेगा। तो अब ये हमारा जो आम हमने डाला था पकने के लिए, तो देखिए पक चुका है ये थोड़ा। तो आम को इतना ही रहने देना है, ज़्यादा घुलने नहीं देना है, मीडियम ऐसा रखना है जैसे कि वो यानी गल चुका हो। आलू जिस तरीके से हम उबालते हैं छीलने तक है, मतलब कि उसे एकदम ही वो नहीं कर देते, उतना ही हमें उबालना है बस। तो देखिए अब हमने उबाल लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे ताकि जब मुरब्बे में डालेंगे तो उसके अंदर अच्छी तरीके से जो गुड़ का रस है वो मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, बर्तन को साफ़ करके अब उसमें थोड़ा तेल डाल लेंगे, ऑयल अपना जो हमारा सरसों का तेल है हम उसे डाल के अब इसमें हम गर्म होने तक के थोड़ा गर्म देख कर हम इसमें तेज पत्ता अपना डालेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीक़ों से रेसिपी को बताती हूँ फ्रेंड, मेरी इस रेसिपी को वही कहती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें थोड़ा वो मिलती है कि हम अपनी वीडियो को फिर आप तक के दोबारा दूसरी ला सकें। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरा डाल के हम इसे ब्लैक होने तक के भून लेंगे। तो हमारा जैसे ही भून जाता है तो फिर इसके अंदर हम अपना लहसुन डालेंगे। तो लहसुन की कलियां जो हमारी छोटी हैं इसलिए ये हमारे खेत में से निकली हुई हैं, हमने अपने खेत में लगा रखी थी सर्दियों में, सो जो ये वही लहसुन है। तो हम इसी को यूज कर रहे हैं, जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक इसको ही यूज करेंगे। सो तो हमने अपने स्वाद के अनुसार यानी कि जितना हमें चाहिए होता है लहसुन, तो इसमें थोड़ा लहसुन ज़्यादा रहता है तो ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमने लहसुन डाल लिया है, अब हम इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से जब तक ये लाल ना हो जाए। देखिए अभी हमारा लाल हो चुका है, अब हम इसमें मिर्च डालेंगे। तो मिर्च भी हम अपना डाल के भून लेते हैं, जैसे ही ये भून जाएगी हमारी मिर्च फिर हम इसमें जो हमने रस बना रखा है गुड़ का, हम तो यहाँ भेली कहते हैं, हमारे यहाँ तो भेली कहा जाता है,
तो सो हम जो गुड़ का रस है इसमें डाल के हम इसे छोक लेंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारे गुड़ का जो रस है उसका ये कितना प्यारा लग रहा है देख के, खट्टा मीठा। ये ऑलरेडी वैसे ही खट्टा मीठा हो रखा है, खट्टा तो नहीं है लेकिन मीठा और तीखा ज़रूर हो रखा है। अब इसमें हम जो अपना देख सकते हैं हमारा बदकने लगा है, फूफाने लगा है जो भी है। अब इसमें हम अपना ये जो आम है खट्टा खट्टा, कच्चा है तो खट्टा भी है, सो अब हम इसे इसमें डाल देंगे। डालने के बाद देख सकते हैं अभी हम इसे पकने के लिए मिला के अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे ढक कर, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। तो देख सकते हैं हमारा देख के कैसा लग रहा है, आ रहा है ना मुंह में पानी देखकर। तो सो जब ये मौसम है इसमें आम की केरियां कच्ची मिलती है, तो आप भी बना के खाइए अपने घरों में। तो देखिए हमारा ये बन चुका है, हमने थोड़ा इसे ग्रेवी के साथ इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि हमें अभी इसे इस मौसम में अभी हम काफ़ी बार बनाते रहेंगे, सो हम रोटी के साथ खाने के लिए, वैसे भी रोटी के साथ खाने के लिए हम लोग इसे इस तरीके से बनाए हैं। तो सो ये बन के तैयार है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।